हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो आप सब लोग कैसे होंगे? आई थिंक बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा हूँ। तो बहुत दिन बाद मेरा वीडियो आ रहा है। ऐसे मेरा वीडियो देखने वाला उतना कोई इंसान नहीं है, बट कुछ कुछ है जो मुझे बोल रहा है, अरे ये वीडियो क्यों नहीं छोड़ रहा है, लाइफ में इतना ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है तो क्या ही बताऊँ। तो वो प्रॉब्लम को साइड करके मैं आज जाने वाला हूँ। मेरा साइकिल रिपेयर करने, साइकिल का हाल बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, बहुत ही ज़्यादा ख़राब। इतना ज़्यादा ख़राब क्या होता, ना ब्रेक काम कर रहा है और पीछे वाला टायर ऐसे ना बेंड हो गया। तो अभी जाते हैं, चलो मेरे साथ, रास्ते में थोड़ा सा बात करते हैं, फिर उधर जाके देखते हैं साइकिल रिपेयर हो पाता है या नहीं। ये एक्चुअली ना मेरा पूरा ब्रेक एक भी नहीं काम कर रहा, ना सामने का ना पीछे का, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। तो धीरे धीरे से आराम से जाएंगे और क्या कर सकते। तो थोड़ा बहुत ना मैप देख लिया, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं उधर जा रहा हूँ साइकिल रिपेयर करने के लिए। जाके देखते हैं, मतलब साइकिल का हाल, ये जो दो साइड का ब्रेक है ना, ये तो जो है बिल्कुल नहीं, और टायर भी कैसे हिल रहा है, मैं कैसे ब्रेक लगा रहा हूँ मुझे ही पता है। अभी बस लग जाने वाला था धक्का। चलो धीरे धीरे से घुमा लेते हैं भैया जी। चलो, अरे माँ का, अरे इधर भी क्या हो भाई, गाड़ी भी कितना जोर से जाते हैं। चलो, आप दिखाने दिखा दिए तो समझ गया जो मुझे उस साइड जाना है। भैया आप ये साइकिल का ये जो टायर थोड़ा टेढ़ा हो गया, वो ठीक करना। साइकिल की दुकान से करते हैं ऑल टू व्हीलर्स, वो साइकिल का टू व्हीलर्स तो करती है। ओ इधर नहीं होगा क्या? हाँ शायद आगे, इधर गाड़ी करते थे, आगे बंद है काम। वो बंद हो है और कहाँ पर वो दुकान बंद है, बोल रहा आगे का दुकान बंद है, जो छोटा वाला एक दुकान है ना, मतलब उस ऑपोजिट साइड में गिरता है, वो बंद है। इधर ही रहता वो, इधर नहीं रहता, इधर नहीं है भाई। तो फाइनली साइकिल का दुकान मिल गया, पहले दुकान मिल गया, वो तो बंद था, मतलब बोला है ही नहीं उधर काम नहीं होता। फिर और एक बड़ी मुश्किल से मिला। हाँ अभी तो रात का टाइम हो गया, क्योंकि बीच में एक जगह मैं ब्रेक लिया, उधर लंच किया, फिर आया, तो ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत काम है। ये देख लो, ये मेरा साइकिल है, पीछे का टायर ना पूरा बैंड हो गया था। तो ये अपना अंकल ये ठीक कर रहा है, और वो वाला अंकल से मैं पहले भी मिल चुका हूँ। तो इसका मेरा साइकिल का एक्चुअली ये टायर बिगड़ गया था, उसके बाद ये जो मेरा ब्रेक है ना, ब्रेक पूरा ख़राब हो गया, यही बस ठीक कराना है। तो जब तक अंकल ये कर ले, तो हम लोग थोड़ा सा सामने से घूम के आते हैं।
क्या बोलते हो सब लोग, हाँ घूम के तो आना ही चाहिए ना, इतना ज़्यादा भीड़। ओह बस का भीड़ देखो पूरा। तो एक्चुअली मैं ना वो दुकान से थोड़ा बाहर आ गया, क्योंकि उधर मतलब बहुत टाइम लगेगा, मेरे साइकिल का पीछे का जो टायर है ना पूरा बैंड हो चुका है, तो फिर थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं थोड़ा सा ऐसे ही घूमने के लिए आ गया, मतलब ऐसे ही रास्ते में चलता। और ऊपर से इधर इतना ज़्यादा जैम है, क्या ही बताऊँ, मतलब बहुत ही ज़्यादा जैम है रास्ते में, इतना ज़्यादा भीड़, इतना ज़्यादा भीड़। और मैं ना ये वीडियो बना रहा हूँ तो मेरा आवाज़ जिन लोगों का कान तक पहुँच रहा है ना, कान तक, तो सब एक बार घूम घूम कर अजीब तरीके से देख रहे हैं, मतलब मैंने मान लो कुछ अलग ही कर लिया, अलग ही लेवल का कुछ कर लिया। तो फिर हाँ एक्चुअली मैं ना बहुत ज़ोर ज़ोर से बात कर रहा हूँ, तो फिर इसलिए शायद होगा, तो क्या कर सकते हैं। इतना दिन मेरा पूरा ऐसे ही चला गया, इधर कितना दूर दूर तक गया, साइकिल बहुत सारे शॉप में गया तो बोल रहा दुकान बंद है, दुकान नहीं है। ये गूगल मैप का भरोसा कभी नहीं करना चाहिए, अच्छा प्रॉपर तरीके से जान लेना चाहिए, हाँ दुकान उधर है या नहीं है। मैं तो ऐसे बहुत सारा गलती करता हूँ वीडियो बनाने के टाइम, स्टार्टिंग है ना ऊपर से इतना ज़्यादा मुझे वो मिलता है, मतलब कहीं पे मैं जाता हूँ उधर वीडियो बना नहीं पाता हूँ, या फिर इतना ज़्यादा रोड साइड में ऐसे वीडियो बनाने के लिए भी तकलीफ होता है ना, बहुत ज़्यादा तकलीफ होता है। फिर भी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, एंड क्या बोलूँ, बोलने के लिए कुछ जवाब है बचता ही नहीं है, क्योंकि इतना दूर साइकिल चला के आने का, तो वो तो अंकल इतना ज़्यादा अच्छा है, इतना ज़्यादा अच्छा है, बोला हाँ हाँ मैं कर लूँगा। दुकान में गया तो उस टाइम मेरा मतलब मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर रहा था, क्योंकि फर्स्ट दुकान में जो गया ना वो मना कर दिया, तो मना करने के बाद फिर दूसरा दुकान में जाके दो तीन में दुकान में घुमा, बट कोई नहीं दिया, कोई बोला नहीं होगा, कोई बोला नहीं नहीं इधर साइकिल वाइकिल का कुछ काम नहीं। तो भाई साइकिल है, मतलब मैंने ये चीज़ तो देख लिया, बाइक का दुकान हर एक जगह पे मिलता है, बाइक रिपेयरिंग शॉप, बट साइकिल रिपेयरिंग शॉप उतना नहीं मिलता। तो चलो अभी थोड़ा सा इधर ही उधर ही घूम के वेट करते हैं, और जब मैं उधर साइकिल लेने के लिए जाऊँगा उस टाइम फिर से वीडियो करना शुरू करूँगा, ठीक है। तो मेरा साइकिल का पीछे वाला टायर ठीक हो गया, मैं इधर आ चुका हूँ। ये जो अपना मिस्त्री भैया है ये बहुत अच्छा काम करता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा। हाय कर दो सर। सर हाय कर दिया। और ये है हाँ सही अभी ब्रेक, हाँ ब्रेक का वो पूरा टायर ख़राब हो गया था। तो ये अपना साइकिल, ये जो श्री बालाजी साइकिल का दुकान है ना, ये 22 साल हो गया एक बार, तो फिर चलो जाके ये दुकान का ओनर से बात करते हैं। ये अपना एक और भैया, पहले भी हम मिल चुके हैं, हेलो। चलो, और इधर ना बहुत सारे वैसे साइकिल भी मिलते हैं कि सुबह अगर आना हो तो आ सकते हो, छोटे से लेके बड़े तक। एक बार ये हम लोग सर से बात कर, हेलो सर। हेलो, हाय, हाय, हाउ आर यू। तो आप आपके दुकान के बारे में कुछ बोलिए थोड़ा, मतलब आपका दुकान का 22 साल हो गया ना एक्चुअली इधर, ये गच्चीपोली में सबसे पुराना साइकिल रिपेयरिंग शॉप एंड साइकिल बाई करने के लिए 22 साल हो गए, इतना टाइम तक कोई अपना बिजनेस रखता ही नहीं है, लेकिन ये सर रखा है, तो कुछ बोलिए आपके दुकान के बारे में। बोलिए, मेरा श्री बालाजी साइकिल स्टोर बोल के गच्चीपोली में, गच्चीपोली सेंटर में 22 ईयर्स कंप्लीट हो गया आज, 22 ईयर्स हो गया, जब से पुराना साइकिल दुकान बोले तो सब लोग पहचानते हैं गच्चीपोली बालाजी साइकिल स्टोर क्या है। इधर मेरा सेल्स एंड सर्विसिंग है, सारे साइकिल सर्विसिंग करते हैं, नया साइकिल बेचते हैं, बच्चों का बड़ों के लिए गियर साइकिल है, सब मॉडल से सर मॉडल सारे मॉडल मिल जाते हैं मेरे पास। तो आपके पास इधर सबसे हाई रेंज का साइकिल कौन सा है? हाई रेंज का साइकिल बोला तो मेरे पास 25,000 रुपीज़ का बैटरी साइकिल, बैटरी साइकिल 25 रुपीज़ का। तो बैटरी साइकिल भी इस दुकान में अवेलेबल है, किसी को अगर कुछ बाय करना हो या फिर जिन लोग गच्चीपोली के एरिया के आजू बाजू रहते हो तो प्लीज़ आओ आके, नहीं तो मैं तो बहुत घुमा ये साइकिल रिपेयरिंग शॉप, मैं इधर नानकमगुड़ा से आ रहा हूँ, उधर तो कोई भी है नहीं, आजू बाजू भी कोई नहीं है, तो ये गच्चीपोली में ये जो साइकिल का दुकान बहुत ही अच्छा है, आप लोग भी एक बार आके चेक कर सकते हो। और इधर बहुत ख़तरनाक ख़तरनाक साइकिल है, ये वाला देखिए, ओ हाइब्रिड साइकिल, ये हाइब्रिड साइकिल है,
मतलब कत लाइट वेट है, ब्रेक सिस्टम रहता है, फ्रंट सस्पेंशन रहता है, 29 इंच का साइकिल है, हाइट 29 इंच साइकिल, अच्छा है बहुत। तो फाइनली हमारा साइकिल ठीक हो गया। तो साइकिल ठीक होने के बाद ये मेरा टायर ना बहुत ज़्यादा का था, जो कारीगर था वो बहुत ही अच्छा था। और इधर बाय द वे साइकिल मॉडिफाई भी करता है ये जो अंकल है, तो किसी को अगर इस दुकान में आना हो तो आ सकते हो। इधर साइकिल रिपेयरिंग बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। और साई बालाजी साइकिल स्टोर नाम है, 22 साल से है। और ये रहा हमारा एक अंकल, ये अंकल ने हमारा साइकिल रिपेयर किया, तो थैंक यू अंकल। अगर किसी को साइकिल मॉडिफाई भी करना हो तो अंकल करते तो आ जाओ। ये अपना छोटा अंकल, चलो बाय, सबको बाय बोल देते। चलो तो फिर सबको मैंने बाय बोल दिया और आज का वीडियो ही पे ख़त्म हो रहा है। और मैं कोशिश करूँगा बहुत जल्दी जल्दी वीडियो आने की, मतलब मेरा मम्मी बोलता है खुद को, क्या रे तेरा वीडियो नहीं आ रहा है, तो अच्छा नहीं लगता। अभी कोशिश करूँगा बहुत, मतलब जल्दी जल्दी वीडियो छोड़ने का। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, मेरा चैनल का नाम पता ही होगा ना, D9 सूजन, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो फिर चलो आज का वीडियो पे खत्म होता है, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो पे, बाय। Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself.